सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बीते 13 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। राज्य सरकार इस आंदोलन को लेकर एक्टिव मोड में है। महाराष्ट्र में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल सीएम शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, तो आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होनी है। उधर मराठा आंदोलन का असर सबसे ज्यादा बीड जिले में दिखाई दे रहा है। कल बीड में हुई हिंसा के बाद कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं मराठा नेता मनोज जरांगे का कहना है कि वो हर हाल में मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। 2004 का जीआर है, उस जीआर के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो, रिजर्वेशन कुन भी बोल के। मैं आपको बोलता हूँ, आप जो बोले ये कितना दिन चलेगा, ये रुकेगा नहीं। रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं। कोई भी शक्ति आ जाओ, मराठे आप रुकेंगे नहीं महाराष्ट्र के, और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे। और वो जल्द से जल्द मिलेगा, उसके साक्षीदार आप खुद होंगे। थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। और इस पूरी खबर पर महाराष्ट्र के जालना से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नितेश महाजन है। नितेश, पिछले 13 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग का जो है मसला है वो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। आप उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, आपसे समझना चाहेंगे पेंच कहां पर फंसा हुआ है। बिल्कुल स्वाती, पिछले कई दिनों से लगातार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू है। जालना के अंतरवाली सराटे गांव में यह आंदोलन शुरू है, मनोज जरांगे के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू है। लेकिन ये आंदोलन अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है। आंदोलनकर्ता हर जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर रास्ता रोकाया जा रहा है, कहीं पर जालपोल हो रही है। तो ये जो आंदोलन है ये हर दिन हिंसा बढ़ाते जा रहा है। लेकिन जो पेच अभी निर्माण हो चुका है वो ऐसा है कि मराठा समुदाय को ओबीसी से मनोज जरांगे पाटिल आरक्षण चाहते हैं, मगर सरकार अभी तक इसीलिए राजी नहीं हुई है। कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने राज्यपाल रमेश बैस इनके साथ भी बात की, उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद आज फिर से मुख्यमंत्री एक और मीटिंग करने वाले हैं मनोज जरांगे पाटिल के। जो भी मांगे उस मांग को लेकर आज फैसला होने की संभावना है, इस तरह से जानकारी सामने आ रही है। स्वाति जी, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे नितेश आपका फिलहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। तो इस पूरी खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। राउत ने कहा कि आंदोलन का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं है, साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात हैं। संजय राउत ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस पर क्यों नहीं बोलते। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने आंदोलन में हिंसा को सरकार की विफलता बताया है। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई है, और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र, खत्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। इतने लोग सड़क पर उतरे हैं, आग लगी है, मंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं, विधायकों के घर जला रहे हैं, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फूकी जा रही है, सार्वजनिक जो नुकसान हो रहा है मालमत्ता का, लेकिन ना केंद्र की तरफ से, ना गृहमंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी आ रही है।